अस्सलामुअलैकुम ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। आज हम आपको सिखाएंगे कि दूध वाले सेवैयाँ जो है कैसे बनाते हैं कलरफुल। बहुत ही बढ़िया सेवैयाँ बनी हैं, बहुत ही मज़े की बनी हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये सेवैयाँ हम डालेंगे, तो ये एक चम्मच ऑयल शामिल किया था, तो इसमें सेवैयाँ डाल के थोड़ी सी जो है हम भून लेंगे इसको। अब ये देखें भून लिए हैं, तो याद रखिएगा ज़्यादा जलानी नहीं है। तो चम्मच जो आप ये लकड़ी का या शीट का यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक का चम्मच जो आप गर्म खाने किसी में भी यूज़ नहीं कीजिएगा, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो आप इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे और दूध के बाद ये थोड़े से पिस्ते, बादाम, अखरोट और थोड़ा सा इलायची पाउडर है, ये हम शामिल करेंगे। बाद इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, और शुगर जो आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा कि आपको मीठा कितना पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। अभी जो है देखें इसको पकाएंगे थोड़ा सा, अभी थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम जो है ये कलर शामिल करेंगे इससे, ये कलरफुल जो सेवैयाँ हैं बहुत ही प्यारी लगेंगी। देखिए शामिल करके इस तरीके से आपने पूरी ऐसे ही मिक्स कर लेनी है, अच्छे से ये कलर जो है मिक्स हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और ये कभी भी हम जाकर मेहमानों के लिए बनाएं या किसी मीठे त्यौहार में बांटने के लिए बनाएं, तो ये कलरफुल सेवैयाँ आप दूध में बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनती हैं। अब ये देखिए तैयार है, तो गाढ़ी भी हो चुकी है, ना हमने इतने इसको पतला रखना है ना इतना गाढ़ा करना है। तो अब हम डिश आउट करके दिखाएंगे कि कैसे बनेगी। देखिए माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह कितना बढ़िया कलर आया है। थोड़ी सी हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, थोड़ी सी कुछ जो अखरोट है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके